पार्ट टू चैप्टर नंबर 18 रिप्रोडक्शन हम कर रहे हैं। आज हमने टिश्यू कल्चरिंग स्टार्ट करनी थी। टिश्यू कल्चर असल में वो टेक्निक होती है जिसमें हम कैम्बियम टिश्यूज लेते हैं। कैम्बियम टिश्यूज में हमें पता है कि एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड कर सकते हैं। प्लांट्स में ये टिश्यू प्रेजेंट होते हैं कैम्बियम टिश्यूज। इनकी दो टाइप्स होती हैं, वास्कुलर कैम्बियम और कोक कैम्बियम टिश्यूज। तो कैम्बियम टिश्यूज जो हैं वो डिवाइड करते हैं और न्यू प्लांट जो है प्रोड्यूस कर देते हैं। टिश्यू कल्चर टेक्निक में हम कैम्बियम टिश्यूज लेते हैं प्लांट से और इन्हें कल्चर करवाते हैं कल्चर मीडिया के अंदर। अब इनकी ग्रोथ कैसी होती है? ये ग्रोथ जो है बाय द एडिशन ऑफ द न्यूट्रिएंट और ग्रोथ हॉर्मोन्स जैसे कि साइटोकाइनिन और इंडोल एस्टिकेसर IAA। ये हम जो है वो न्यूट्रिएंट और साथ में ये हॉर्मोन्स देते हैं और इस तरह सेल जो है वो कंटिन्यू उसकी ग्रोथ होती है, वो डिफरेंशिएट हो जाता है न्यू प्लांट में। फिर हम प्लांट का एक सैंपल लेते हैं और उसमें से कोई जो है वो उसके कैम्बियम टिश्यूज लेते हैं। उन टिश्यूज़ को हम ग्रोथ मीडिया में ग्रो करवाते हैं। ग्रोथ मीडिया में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं साइटोकाइनिन और इंडोल एस्टिकेसर और इस तरह जो है उसकी डिवेलपमेंट होती है। पहले टाइनी प्लांटलेट्स छोटे छोटे प्लांट्स बनते हैं, फिर उन्हीं प्लांट्स को हम सोइल के अंदर जो है वो उसकी सोइंग कर देते हैं और वो दोबारा से हमें वही प्लांट मिल जाता है जहाँ से हमने उसका कोई पीस लिया होता है। अब इस टेक्निक की सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस इसकी ये है कि हम रैपिड प्रोपेगेशन करवा सकते हैं अपनी डिज़ायर वैरायटीज़ की प्लांट्स की, क्योंकि इसमें हम सिर्फ एक सैंपल लेते हैं और उसी से दोबारा से उसी प्लांट की जो भी हमें वैरायटी डिज़ायर है वो दोबारा से प्रोपेगेट करवा सकते हैं। ये टेक्निक जो है वो एनिमल सेल्स के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसी टेक्निक के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं न्यू एनिमल्स। उसके बाद आ जाता है क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या है? वो टेक्निक जिससे हम ऑर्गेनिज्म एक पूरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग अ सिंगल सेल। एक सिंगल सेल यूज़ करके सब कल्चरिंग मेथड के ज़रिए जो है वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस इज़ द क्लोनिंग। एनिमल जो हैं स्पेशली जो वर्टिब्रेट्स हैं इस टेक्निक के ज़रिए जो है वो हम न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। इस टेक्निक में हम करते क्या हैं, क्लोनिंग में असल में हम एक न्यूक्लियस लेते हैं फ्रॉम द सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल हमारी बॉडी का कोई भी सेल हो सकता है अदर देन द सेक्सुअल सेल, यानी कि उसमें गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते। हमारी स्किन का हमारे जो है बॉडी का कोई भी हम सेल ले सकते हैं। ये सारे जो हैं वो हमारे सोमैटिक सेल्स होते हैं जो कि सेक्सुअल सेल्स नहीं होते या गैमेट्स नहीं होते। तो वो सोमैटिक सेल लेते हैं और दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है उसके न्यूक्लियर उसके सेक्सुअल सेल ये फर्टिलाइज एग जो होता है उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं एग सेल के अंदर, जिसका अपना न्यूक्लियस हमने डिस्ट्रॉय कर दिया होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के थ्रू। इस तरह एग जो है वो ट्रांसप्लांट करवा देते हैं। और दोबारा से एग जो है वो उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसकी वॉर्म में ट्रांसप्लांट करवा देते हैं और ये डिप्लोइड सेल न्यूक्लियस जो है वो उससे नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है जो कि जेनेटिकली सिमिलर होता है। जी सर, इस डायग्राम में इन्होंने ये एग्जांपल दी हुई है कि यहाँ पे हमने एक एग सेल लिया एडल्ट फीमेल शीप का और दूसरी जो हमारे पास डोनर है उस शीप का हमने कोई भी सोमैटिक सेल ले लिया, इनके बॉडी का कोई सेल ले लिया और ये हमारे पास एग सेल है। एग सेल के अंदर हम न्यूक्लियस जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के थ्रू ख़त्म करवा देते हैं। एग सेल रह गया लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। जो दूसरा डोनर सेल है उसका न्यूक्लियस हम इसके सेल में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। इस तरह हमारे पास जो न्यू कॉम्बिनेशन आएगी वो ये स्ट्रक्चर होगा। ये असल में है एग सेल लेकिन इसका न्यूक्लियस हमने रिमूव करवा दिया था, इसके अंदर हमने सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस इंट्रोड्यूस करवाया। फिर जो है
ये फ्यूज कर जाता है और नॉर्मली हम दोबारा से इसको उसके फीमेल की वॉर्म में एंटर करवा देते हैं। फिर इसमें जो है एम्ब्रियो जो है उसकी डिवेलपमेंट होती है, और जब डिवेलपमेंट के बाद जो बेबी प्रोड्यूस होता है क्लोन्ड लैम, ये बिल्कुल सेम होगा जहाँ से हमने उसका सैंपल लिया था, उसका कोई भी सोमेटिक सेल लिया था। ये एग्जांपल है डोली की, डोली जो लैम थी सबसे पहले इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब इससे के एडवांटेजेस क्या हैं क्लोनिंग के प्रोसेस के? एडवांटेजेस में फर्स्ट आ जाता है कि क्लोनिंग के मेथड के थ्रू हम डिजायरेबल एनिमल जिस तरह प्राइज बुल है, हॉर्सेस हैं, और यूजफुल कोई भी वैरायटी जो है प्लांट की या एनिमल की जो है वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी यूजफुल वैरायटीज प्लांट्स की क्लोन करवाई हुई है इसी मेथड के थ्रू। और क्लोनिंग के प्रोसेस के थ्रू जो है वो क्वांटिटेटिव स्टडी हम कर सकते हैं, यानी कि जब हम इस तरह का कोई सैंपल प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म का, फिर इस ऑर्गेनिज्म को जो हमने प्रोड्यूस करवाया क्लोनिंग के थ्रू, इस ऑर्गेनिज्म में हम स्टडी करते हैं डिफरेंट किस्म के हॉर्मोन्स दे के, मेडिसिन दे के जो हम नई मेडिसिन बनाते हैं उसके इफेक्ट चेक करने के लिए इस ऑर्गेनिज्म पे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, ड्रग्स का, एंटीबायोटिक्स का और हॉर्मोन्स का टेस्ट वगैरह करने के लिए जो हमने सैंपल बनाया होता है ऑर्गेनिज्म, इसमें पहले टेस्ट वगैरह कर लेते हैं ताकि अगर कोई उसका साइड इफेक्ट है तो शो हो जाए। और इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होकर हम क्लोनिंग के थ्रू करते हैं उनका बिहेवियर सेम होता है जैसा कि ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म का होता है। डिसएडवांटेजेस में इसका जो है वो, एक तो सबसे पहले यह आ जाता है मॉरल क्वेश्चन है ये तो हम एनिमल्स में करवा रहे हैं लेकिन कुछ फॉरेन कंट्रीज में वो कह रहे हैं कि हम ह्यूमंस की, यानी कि ह्यूमन पे इफेक्ट पड़ने के लिए डिफरेंट ड्रग्स का, मेडिसन्स का, वो ह्यूमंस को की भी क्लोनिंग कर रहे हैं, तो ये मॉरली और सोशली जो है वो रॉन्ग है। इसके अलावा क्लोनिंग जो है इसका डिसएडवांटेज ये है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेम बिहेव करते हैं इन्वायरमेंटल हैजर्ड से भी, यानी कि कोई भी इन्वायरमेंटल अगर चेंजिंग आती है तो उसका इफेक्ट जो होता है जिस तरह के एक ऑर्गेनिज्म पे होगा, कोई उसको भी डिजीज होगी तो जितने भी उससे हमने क्लोनिंग बनाई है सबको ही वो डिजीज होगी। और इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होती, जो नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं इसका इम्यून सिस्टम जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, रेजिस्टेंस इसमें कम होती है किसी भी डिजीज से। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटरनल ट्विंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आइडेंटिकल ट्विंस जो है एकदम ये कहते हैं कि हायर वर्टिब्रेट्स जिसना इंक्लूडिंग द मैन, इसमें हम जाइगोट जो होता है फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें वो जो है डिवाइड करता है, और उसमें जो है क्लीविज होती है, अंडरगो द क्लीविज, क्लीविज मतलब टूटने का प्रोसेस होता है, सेल जो है एक सेल से दो, दो से चार, आठ, इस तरह सेल डिवाइड करते हैं। जब सेल जो है दो सेल स्टेज पे होता है तो टू सेल स्टेज पे ये इसे बोलते हैं ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर ये दोनों जो हैं सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि एग भी एक ही है और स्पर्म भी एक ही है। जब इनकी फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो नॉर्मल प्रोसेस ये है कि ब्लास्टोमियर के अंदर ही सेल डिवाइड करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये दोनों ब्लास्टोमियर जो कि एक ही एग का पार्ट थे वो यहाँ से सेपरेट हो जाते हैं और दो इंडिविजुअल जो है वो ब्लास्टोमियर बन जाते हैं, और इसे दोनों की दोनों से अलग ऑर्गेनिज्म बनता है। लेकिन इनमें प्लेसेंटा जो होता है वो शेयर होता है, यानी कि एक ही जो है वो ऑक्सीजन और फूड के लिए जो यूज़ कर रहे हैं, जो मदर के साथ जिसके साथ अटैच हैं वो उनका सेम होता है प्लेसेंटा। लेकिन इसमें एग और स्पर्म भी एक ही एग और एक ही स्पर्म में फर्टिलाइजेशन हुई और ये एक ही में जो डिवेलपमेंट होती है तो टू सेल स्टेज पे दोनों सेल्स सेपरेट हो जाते हैं, इसीलिए दो सेल सेपरेट होते हैं क्योंकि वो एक ही एग से और एक ही स्पर्म से बिलोंग करते हैं, इसीलिए जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं वो आइडेंटिकली सेम होते हैं, इनका सेम जेनेटिक मेकअप होता है। असल में दोनों जो इंडिविजुअल होते हैं, बाकी में माइटोसिस का प्रोसेस होता है जिससे पूरी इनकी डिवेलपमेंट होती है, इसीलिए ये आइडेंटिकल होते हैं माइटोटिकली, कहते हैं ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस हो गए।
यहाँ पर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई है, लेकिन उसके बाद जो है वो सेल सेपरेट हुए हैं, बाकी सारा माइटोसिस का प्रोसेस हुआ है, और इससे जो इंडिविजुअल बनते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं, बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस या मोनोजाइगोटिक ऑर्गेनिज्म। फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या होता है, जो फीमेल होती हैं, कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो कि मोर देन वन एग प्रोड्यूस करती हैं, और ये मोर देन जो वन एग प्रोड्यूस होते हैं, तो ये इंडिविजुअल दो एग प्रोड्यूस हुए हैं, एक ही फीमेल से दो किस्म के एग प्रोड्यूस होते हैं, और वो दो डिफरेंट स्पर्म से फर्टिलाइज होते हैं। इस तरह दो डिफरेंट स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होती है इनकी, और इंडिविजुअली इसकी डिवेलपमेंट अलहदा होती है, इसकी डिवेलपमेंट अलहदा होती है, और इन दोनों का प्लेसेंटा भी जो है वो डिफरेंट होता है। इसी वजह से ये ऑर्गेनिज्म जो है वो इनका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होता है, और ये जो है इस तरीके से ट्विन्स या ट्रिपलेट्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये जो है वो सेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं, और जेनेटिकली ये बिल्कुल डिफरेंट कम्बिनेशंस होते हैं, क्योंकि दो डिफरेंट एग हैं और दो डिफरेंट स्पर्म्स की फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो इनकी डिवेलपमेंट होती है।